हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बांग्लादेश का इतिहास और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं और इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। इस देश का नाम है बांग्लादेश और इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं हैं बंगाली यानी कि बांग्ला, उर्दू, अंग्रेजी, चकमा, गारो, मेईतेई, रखाइन, संथाली इत्यादि। यहाँ की कुल जनसंख्या है 16,30,00,000 और इस देश का राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे कि बाघ के नाम से हम जानते हैं, और इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है नीले कंठ का रॉबिन पक्षी, और इस देश का राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली का फूल, और यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है आम का वृक्ष, और इस देश में मौजूद कुल राज्यों की संख्या है 8, और इस देश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, और यहाँ का राष्ट्रीय फल है कटहल, जिसे कि हम इंग्लिश में जैकफ्रूट कहते हैं। बांग्लादेश के प्रमुख नृत्य हैं कथक, मोर नाच, बाउल, बिहू नृत्य, मर्मा नृत्य, मणिपुरी नृत्य इत्यादि। और बांग्लादेश में कुल नदियों की संख्या है लगभग 700 नदियाँ बांग्लादेश में बहती हैं। अब हम बांग्लादेश की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं। बांग्लादेश आधिकारिक रूप से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक संप्रभु राज्य है। इसके पूर्वी भाग में बंगाल की जातीय भाषाई क्षेत्र का निर्माण किया हुआ है। यह देश बंगाल के खाड़ी के उत्तर में बसा हुआ है। इस देश की सीमा भारत और म्यांमार से लगती है और सिलीगुड़ी गलियारे की वजह से यह नेपाल और भूटान से अलग है। 170 मिलियन की जनसंख्या के साथ जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है और एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है और सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से 3रा सबसे बड़ा देश है। आधिकारिक बंगाली भाषा दुनिया में 7वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसका उपयोग बांग्लादेश के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्र भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में भी किया जाता है। एशिया की 3 विशाल नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना बांग्लादेश और उपजाऊ सुंदरबन डेल्टा से होकर ही बहती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। समृद्ध जैव विविधता के साथ बांग्लादेश 700 से ज़्यादा नदियों का घर है। इसमें से ज़्यादातर सुंदरबन में है, जिसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सदाबहार वन और वर्षावन माना जाता है। 600 किलोमीटर के समुद्र तट के साथ यह दुनिया के सबसे लंबे बीच में से एक है। साथ ही यहाँ कोरल रीफ जैसे दूसरे द्वीप भी मौजूद हैं। बांग्लादेश दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला देश है, जिसका नंबर दक्षिण कोरिया और मोनेको के साथ आता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और बंदरगाह वाला शहर चितगांव बांग्लादेश के प्रमुख शहरी इलाकों में से एक हैं। देश के प्रमुख जातीय समूह में बंगाली, बंगाली मुस्लिम, बंगाली हिंदू, चकमाज, बंगाली क्रिश्चियन, मर्मस, चंग्याज, विष्णुप्रिया मणिपुरीज, बंगाली बुद्धिस्ट, गारोज, संथाल बिहारी, औरों, त्रिपुरी, मुंडा, रखी, रोहिंग्या, इस्माइल और बहाई हैं। ज़्यादातर बंगाल प्राचीन समय में गंगा रिदाई के नाम से, जो कि एक रोमन ग्रीक भाषा का शब्द है, के नाम से जाना जाता था। डेल्टा के लोगों ने खुद अपनी एक भाषा, साहित्य, संगीत, कला, लिपि और आर्किटेक्चर को विकसित किया था। प्राचीन एशियन साहित्य को इस समय में काफ़ी प्रभावशाली माना गया था। साथ ही यह ऐतिहासिक सिल्क रोड का महत्वपूर्ण पुनर्निर्यात यानी कि निर्यात करने वाला सबसे महत्वपूर्ण देश था। धीरे धीरे बंगाल की मुस्लिम राष्ट्र के रूप में ही एक छवि बन गई और तकरीबन 4 शताब्दियाँ तक यहाँ पर सुल्तान ने शासन किया था, जिनमें दिल्ली सल्तनत और बंगाल सल्तनत के शासकों का भी समावेश है। बाद में मुगल साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी बागडोर अपने हाथों में ले ली। इस्लामिक बंगाल एक कमज़ोर बंगाल था, लेकिन मध्यकालीन विश्व व्यापार में यह क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ने औपनिवेशिक जीत हासिल की थी। इसके बाद ब्रिटिश राज में 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार और कला का विकास किया गया। उस समय यह क्षेत्र उपमहाद्वीप में औपनिवेश विरोधी अभियान का एक बड़ा केंद्र था। पहला ब्रिटिश विभाजन 1905 में बंगाल का किया गया, जिसके चलते पूर्वी बंगाल और
असम प्रांत का निर्माण किया गया। इसी ने 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन की मिसाल रखी थी। और जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो गया तब 1955 में इसका नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान रखा गया था। यह भारतीय क्षेत्र में पश्चिम पाकिस्तान से 1400 किलोमीटर दूर और अलग था। 1971 में हुए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक गणराज्य की स्थापना की गई। 1971 में बांग्लादेश छोटी सी एक पार्टी का राज्य था जहां बहुत से सैन्य तख्ता पलट किए गए और राष्ट्रपति शासन की स्थापना की गई, जिसके बाद 1991 में संसदीय गणराज्य को पुनर्स्थापित करने के बाद देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और देश की अर्थव्यवस्था भी स्थिर हुई। लेकिन बांग्लादेश के सामने फिर भी गरीबी, भ्रष्टाचार, ध्रुवीकृत राजनीति, सुरक्षा कर्मियों द्वारा मानवाधिकारों का हनन, बढ़ती जनसंख्या और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां थी। जबकि देश ने बहुत कम समय में ही प्रभावशाली रूप से मानव विकास कर लिया था, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग समानता, जनसंख्या नियंत्रण और खाद्य उत्पादन में मुख्य रूप से सुधार शामिल हैं। 1990 में जो गरीबी दर बांग्लादेश में 57% थी वह 2014 में घटकर 25.6% ही रह गई। बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली देश के रूप में देखा जाता है और साथ ही इसे नेक्स्ट 11 में भी शामिल किया गया है। निर्वाचित संसद के साथ यह एकात्मक राज्य है जिसे जातीय संसद का नाम दिया गया है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सूची में स्थान प्राप्त हुआ है और दक्षिण एशिया में इसकी सैन्य शक्ति भारत और पाकिस्तान से थोड़ी कम है। बांग्लादेश सार्क का संस्थापक सदस्य और बिम्स्टेक का स्थायी सेक्रेटरी भी है। यूनाइटेड नेशन के शांति अभियान में बांग्लादेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विकासशील 8 देशों की लिस्ट में, यानी कि जिसे हम डेवलपिंग 8 नेशंस के नाम से जानते हैं, इसमें बांग्लादेश का भी नाम है। साथ ही बांग्लादेश OIC, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन G77 का भी सदस्य है। बांग्लादेश में मुख्यतः चावल, जूट और चाय की खेती की जाती है। ऐतिहासिक रूप से यह मलमल और रेशम के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक बांग्लादेश दुनिया के प्रमुख टेक्सटाइल उत्पादक देशों में से एक है। इसके प्रमुख व्यापार सहयोगियों में यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और आसपास के देशों में चाइना, सिंगापुर, मलेशिया और भारत का समावेश है। अब हम बांग्लादेश की संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, उसका पाकिस्तान से स्वतंत्रता का संग्राम काफ़ी रक्तरंजित था। धार्मिकता के आधार पर हुए भारत के विभाजन में पूर्वी बंगाल प्रांत में मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, जो कि स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहती थी, और साफ तौर पर पाकिस्तान में अपने प्रांत के विलय से इन लोगों का इनकार रहा था। भारत की मध्यस्थता से साल 1971 में बने बांग्लादेश की संस्कृति पर अधिकतर भारत का और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल का प्रभाव देखने को मिलता है। का सबसे बेहतर उदाहरण यह है कि बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा बंगाली है तथा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता अमार सोनार बांग्ला ही इस देश का राष्ट्रगान है। देश में मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा हिंदू, ईसाई आदि धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। बंगाली साहित्य और साहित्यिक रचनाओं का बांग्लादेश की कला, संस्कृति और सामाजिक जीवन पर गहराई से प्रभाव देखने को मिलता है। देश में विभिन्न जनजातीय समुदाय से जुड़े लोगों का अधिवास होने से भिन्न 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 जीवन शैली देखने को मिलती है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियां शामिल हैं। मुस्लिम धर्म के अलावा हिंदू और अन्य धर्म के लोगों के साल भर में आने वाले त्यौहार बांग्लादेश में मनाए जाते हैं। बांग्ला के अलावा उर्दू भाषा को आमतौर पर बोलचाल में अधिकतर उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा शिक्षा और कार्यालयों में कामकाज के लिए कुछ हद तक अंग्रेजी भाषा का भी उपयोग किया जाता है। बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम धर्म के साथ जनजातीय मान्यताएं और परंपराओं का पालन कर मिश्रित शैली का सामाजिक जीवन जिया जाता है। इसमें सर्वाधिक धार्मिक जनसंख्या मुस्लिम धर्म की होने के कारण इस धर्म का सभी क्षेत्रों पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। हालांकि बांग्लादेश ने राजकीय व्यवस्था में लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वीकार किया हुआ है। अब हम बांग्लादेश के लोगों के खान पान के बारे में जान लेते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ के खान पान की सूची एक एक कर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो ये भोजन हैं: भुना खिचड़ी, कच्ची बिरयानी, पराठा, मोरंग पुलाव, ग्रिल्ड चिकन विथ नान रोटी,
पतला खिचड़ी, करी, दाल, भरता, भाजी विथ राइस, सीख कबाब, हलीम, मिष्टी दोई, फुचका, दोई चीरा, रसमलाई, फालूदा, स्वीट लस्सी, बुरहानी इत्यादि। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे बांग्लादेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में, यहाँ के प्रमुख त्योहारों के बारे में जानेंगे, यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे, यहाँ के शिक्षण संस्थानों के बारे में जानेंगे और भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा बांग्लादेश के बारे में आने वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश में कुल कितने राज्य हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।